Hey guys, अभी के टाइम पर मोर देन 90% ऑफ यूजर्स गूगल सर्च इंजन को प्रेफर करते हैं अपनी सर्च क्वेरी को सर्च करने के लिए नो डाउट ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और पॉपुलर सर्च इंजन है जिसपे हमें काफी एक्यूरेट सर्च रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं अब गूगल अपने सर्च इंजन को मेनटेन करने के लिए एवरी ईयर काफी सारे फीचर्स को रोल आउट करता है आज हम ऐसे टॉप एट फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे सर्च एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने में हेल्प कर सकते हैं सो स्टार्टिंग विद द नंबर वन एंटरटेनमेंट के लिए हमें गूगल में काफ़ी सारे इनबिल्ड्स गेम देखने के लिए मिल जाते हैं आप इसमें पैकमैन स्नेक और पाइन स्वीपर जैसे काफ़ी सारे गेम्स डायरेक्टली एक्सप्लोर कर पाते हैं इसके लिए आपको जस्ट गेम का नेम टाइप करना है एंड आप डायरेक्टली गूगल के फर्स्ट रिजल्ट में गेम को खेल पाएंगे अब सेकेंड टिप की बात करें तो गूगल में हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्ग्यूमेंटेड रियलिटी में देखने के लिए मिलती है दैट इज प्र इंटरेस्टिंग अभी तो अपने स्मार्टफोन पे आप गूगल पे सर्च करते हैं किसी भी एनिमल किंगडम के नेम को तो आपको वो एनिमल ऑर्ग्यूमेंटेड रियलिटी में देखने के लिए मिलता है इतना ही नहीं ए आर एक्सपीरियंस सिर्फ एनिमल किंगडम तक लिमिटेड नहीं है आपको इसमें काफी सारी और टर्म्स को भी एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाता है आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिलो जिसे आप चेकआउट करके ए आर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं अब कितनी बार हमारे माइंड में कोई सॉन्ग स्टक हो जाता है जिसे आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसे में हम सॉन्ग आइडेंटिफिकेशन फीचर का यूज़ करके गूगल असिस्टेंट पे वॉट सॉन्ग इज दिस बोल कर किसी भी सॉन्ग को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड गाइज इट वर्क्स प्रिटी वेल मैंने इसे काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स पे ट्राई आउट कराए एंड ये नाइन्टी परसेंट ऑफ टाइम काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट शो करता है सो so, आप इसे ट्राई आउट कर सकते हैं किसी भी सॉन्ग को आइडेंटिफाई करने के लिए नेक्स्ट थिंग यू कैन ट्राई आउट ऑन द गूगल इज करेक्ट प्रोनाशिएशन फीचर यदि आपको कोई डिफिकल्टी होती है वर्ड को प्रोनाउंस करने में या फिर आपको नहीं पता कि ये वर्ड कैसे स्पेल करा जाता है तो आप गूगल का प्रोनान्सिएशन फीचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं आपको जस्ट प्रोनासीशन और आपको वर्ड का नेम टाइप आउट करना रहता है इसके बाद गूगल आपको गाइड करता है कि इस वर्ड को आप कैसे स्पेल कर सकते हैं इसके लिए हमें तीन डिफरेंट लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिल जाता है आप इसे इंडियन अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट में स्पेल करने का प्रॉपर वे जान सकते हैं अब एवरी ईयर गूगल काफ़ी सारे न्यू टूल्स को इंट्रोड्यूस करता है हमारे सर्च एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए अब हमारे फ़ोन में हमें इमेज सेक्शन में लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाता है जिससे हम किसी भी इमेज को रियल टाइम पे ट्रांसलेट कर पाते हैं और यदि आप चाहते हैं तो आप इन ट्रांसलेटेड लाइन को अपने रीजनल लैंग्वेज में भी लेसन आउट कर सकते हैं जिससे इन्हें रीड आउट करना काफ़ी ईजी हो जाता है अब वैसे तो गूगल में हमें काफ़ी एक्यूरेट सर्च रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं आपने भी ये नोटिस करा है कि जब आप किसी सर्च टर्म को सर्च करते हैं तो इसमें हमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऐसे रिजल्ट्स भी देखने के मिलते हैं जो कि कंप्लीटली रिलेवेंट नहीं रहते तो ऐसे में हम टूल्स पर जाके वर्बेटियम को सिलेक्ट कर सकते हैं इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको वर्ड टू वर्ड एक्यूरेट रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं जो आपने सर्च क्वेरी में सर्च कराए एक्यूरेट सर्च रिजल्ट से आप अपनी सर्च क्वेरी को काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट बना पाते हैं अब गूगल में हमें काफ़ी सारे टूल्स ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जो हमारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के साथ हमें कन्वर्जन करने में भी हेल्प करते हैं अब आप गूगल पे करेंसी कन्वर्टर को यूज कर सकते हैं आप जिस भी करेंसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं आप उस करेंसी को टाइप करके इन टू और जिस भी करेंसी में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे टाइप कर सकते हैं लाइक सेवेंटी फोर डॉलर इंटू आई एन आर ये करेंसी कन्वर्टर हमें रियल टाइम में करेंसी को कन्वर्ट करके बताता है वो भी करंट करेंसी रेट से इसी के साथ हमें गूगल पे काफी सारे और भी टूल्स एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाते हैं हम बेसिक कैल्कुलेशन के लिए कैलकुलेटर को ट्राई आउट कर सकते हैं कलर पिकल टूल से हम करेक्ट हैश कोड के बारे में जान सकते हैं मेडिटेट मेट्रोनोम और स्पिनर जैसे काफी डिफरेंट टूल्स को हम डायरेक्टली सर्च इंजन पर यूज कर पाते हैं वन ऑफ माय फेवरेट टूल इज की हम किसी भी वर्ड का डिक्शनरी में इंस्टेंटली मीनिंग देख सकते हैं अब किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले मीनिंग की वर्ड को टाइप करके हमारे वर्ड को टाइप करना होता है इसके बाद आप इन वर्ड की इन डिटेल हिस्ट्री ओरिजिन एडजेक्टिव और इसे कैसे यूज़ करना है आपको सब वन गो में पता चल जाता है सो प्रिट मैन इट गाइज फॉर दिस वीडियो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा इस टाइप का और कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक like कर सकते हैं आई सी यू इन द नेक्स्ट वन